बिहार झारखंड रांची और जरवर में आपका स्वागत है। झारखंड में सहकारिता बैंक घोटाला लगभग 200 करोड़ की है। इस घोटाले में संलिप्त लोगों को विभाग संरक्षण दे रही है। इस बैंक घोटाले के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। आज एक विशेष भेंट में झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बतलाया कि देखिए, हम लोगों ने जनहित याचिका तो दायर की थी, उसके बाद एक रिपोर्ट आई जिसको सप्लीमेंट्री एफिडेविट में भी हम लोगों ने डाला कि रजिस्ट्रार ने कहा है, रिकमेंड किया है सीबीआई जांच के लिए। ये 200 करोड़ के ऊपर का घोटाला है जिसमें मंत्री समेत जो है वो चार लोगों को अभी बीच में सस्पेंड किया गया है। वो एक नाम मात्र की उस पर कार्रवाई हुई है डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे हम लोगों को पता लगा, जिसमें जयदेव प्रसाद, आपको राम कुमार, मनोज लाल नाथ सहदेव और संदीप सिंह, ये कानून के हिसाब से 3 महीने में इनका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा यदि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नहीं चलती है। और अभी तक जहाँ तक पता लगा है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ शुरू नहीं हुई, तो ये तो क्लियर है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। ये चूँकि बहुत बड़ा घोटाला है और एक IAS अफसर ने रेकमेंड किया है CBI जांच के लिए, हमने CBI को भी रिसीव करा दिया, उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये शॉकिंग है और नियम विरुद्ध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे ही हमारे यहाँ बेंच आता है ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, हम लोग मेंशन करेंगे, रेगुलर बेंच आ रहा है, कि इस पर क्या अभी तक सरकार ने कार्रवाई की है और CBI ने क्या कार्रवाई की है, तो CBI को हम लोग रिसीव करा दिया, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई किया जा सकता है। धन्यवाद।